बारहवीं कॉमर्स के स्टूडेंट हूँ और सभी को गुड मॉर्निंग। बच्चों जो लेसन नंबर 2 था मैंने आपको करवाया, सभी बच्चों को आशा है कि लेसन नंबर 2 में मेरे हिसाब से तो कमी नहीं रही, लेकिन जितने भी उसके थ्योरेटिकल जो पॉइंट थे, न्यूमेरिकल जो पॉइंट थे, वो मैंने सारे बताए थे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, तो उसके बाद जो लेसन नंबर 3 आता बोर्ड पर देख रहे होंगे आप, लेसन नंबर 3 जो स्टार्ट है अकाउंट चेंज प्रॉफिट चेंज सो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, यानी कि जो अपने वर्तमान साझेदार हैं उनका लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, ये चैप्टर पढ़ेंगे अब हम। इसमें जो बच्चों जो पहला क्वेश्चन आता है ऊपर तरह की साझेदारी परंपरा पुनर्गठन क्या होता है। बच्चों आपको मैंने कई बार बताया है कि जो साझेदारी फर्म है एक एग्रीमेंट एक ठहराव है, इसमें साझेदार आपस में लाभ विभाजन को बांटने के लिए एग्रीमेंट करते हैं और कई बार उनमें मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं कि वो अपने लाभ विभाजन अनुपात को बदल देते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रॉफिट शेयरिंग चेंज होने से साझेदारी फर्म का पुनर्गठन यानी कि नई फर्म का उदय होता है, पुनर्गठन का मतलब उदय होता है, नई फर्म बन जाती है। तो ये था आपका साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। और क्वेश्चन नंबर 2, फर्म का पुनर्गठन कितने प्रकार से हो सकता है। इसका उत्तर है जो 5 प्रकार से जो साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है वो अगर लिखे 5 प्रकार से होता है। बच्चों ये मैं बोल रहा हूँ कि आपने नोट करने हैं और बुक्स में भी दिया हुआ है ये सारा थ्योरेटिकल। जो जैसे मैंने कहा कि अगर लिखे 5 प्रकार से साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो जाता है, तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो जाए ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, यानी कि जो वर्तमान साझेदार हैं उनके लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो जाए। जैसे माना कि कोई फर्म है और उसमें ए बी साझेदार हैं, उनका अनुपात पहले 3:1 है और बाद में उनका मतभेद उत्पन्न हो जाता है और उनकी आपसी सहमति हो जाती है और फिर वो कहते हैं कि ए और बी साझेदारों के मध्य जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा वो 2:1 होगा। लेकिन बच्चों पहले कितना था 3:1, अब बदल कर करके चेंज हो क्या हो गया रेशो का 2:1। तो इस प्रकार से बच्चों यदि किन्हीं साझेदारी फर्म में साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो जाता है तो उसको क्या नाम है साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण फर्म का पुनर्गठन कहते हैं, यानी कि उनका रेशो चेंज हो जाए। दूसरा जो दूसरा प्रकार है बच्चों वो है कि नए साझेदार का प्रवेश। नंबर 2 साझेदारी फर्म का पुनर्गठन का मतलब, नंबर दूसरा जो गाइडेंस में हम पढ़ रहे हैं कि मैंने बताया पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, और जो दूसरा पॉइंट आपका वही है कि एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश। बच्चों माना किसी फर्म में ए बी 2 साझेदार हैं और उनका रेशो 2:1 है और उन साझेदारों ने आपसी सहमति से चारों को 1/4 हिस्से के लिए सम्मिलित किया, तो इस प्रकार से जो चारों नए पार्टनर आई उसके कारण फर्म का पुनर्गठन माना जाएगा, क्योंकि पहले 2 साझेदार थे अब 1 साझेदार और है, पहले ए भी साझेदार थे और चारों, अगर चारों नहीं लेना चाहते तो आप सी भी मान सकते हैं कि सी नया साझेदार आया, तो अब जो नई फर्म ए बी सी के नाम से चलेगी। तो इस प्रकार नए साझेदार का प्रवेश भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन माना जाता है। नंबर 3 बच्चों कोई साझेदार अवकाश ग्रहण, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, माना किसी फर्म में एक्स वाई जेड 3 साझेदार हैं, उनका रेशो 4:3:1 है, यानी कि 4:3:1 है और उसमें से जेड साझेदार रिटायर हो जाता है, तो इस प्रकार से भी बच्चों साझेदारी फर्म का पुनर्गठन माना जाएगा। 3 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। चौथा पॉइंट, किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए, माना किसी फर्म में डब्ल्यू एक्स वाई 3 साझेदार हैं और उनमें से जेड जो साझेदार है उसकी डेथ हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इस प्रकार से भी बच्चों
नई साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होगा, क्योंकि पहले वो तीन साझेदार थे, जाहिर सी बात आप समझ रहे हैं, और अब दो रह गए, तो दो रहने के बाद फर्म पर प्रभाव पड़ेगा, वो गुडविल पे भी प्रभाव पड़ेगा, सैलरी रेशो पे भी, गेन रेशो पे भी, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन तो इस प्रकार से माना जाएगा। और जो फिफ्थ पॉइंट है बच्चों, लास्ट का पॉइंट है, वो है दो साझेदारी फर्मों का सम्मिलियन, एमलगामेशन ऑफ द टू फर्म्स। तो बच्चों, जब दो छोटी छोटी फर्में आपस में मिल जाती हैं, उनके असेट्स एंड लाइबिलिटीज कैलकुलेट करके उनको मिला लिया जाता है, तो इस प्रकार से भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन माना जाता है। माना ए भी एक फर्म है, उसका रेशो 3:1 है, और सी डी उसका रेशो 4:1 है। तो यदि दोनों फर्मों को मिला दिया जाए बच्चों, तो जाहिर सी बात है कि असेट्स एंड लाइबिलिटीज, असेट्स दोनों की इकट्ठी मानी जाएंगी, लाइबिलिटी दोनों की इकट्ठी मानी जाएगी, और इस प्रकार से भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होगा। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 आता है बच्चों, त्याग अनुपात किसे कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सैक्रिफाइस रेशो। बोर्ड पे देख लूंगा, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है त्याग अनुपात किसे कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सैक्रिफाइस रेशो। तो बच्चों ये आपको पता है कि जब भी किसी फर्म में दो साझेदार होते हैं, और यदि कोई नया साझेदार आता है, तो जो पुराने साझेदार हैं वो नए साझेदार के पक्ष में अपने हिस्से का कुछ भाग त्याग करते हैं, तो उसको सैक्रिफाइस रेशो कहते हैं। और यदि सैक्रिफाइस रेशो का जो सूत्र है बच्चों ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ये यानी कि पुराना अनुपात रेशो नया अनुपात। और ये होगा आपका चार अनुपात, तो ये बोर्ड पर आप देख रहे हो जो सैक्रिफाइस रेशो है वो चार अनुपात किसके बराबर है। सैक्रिफाइस रेशो इज ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, यानी कि पुराना अनुपात में से नया रेशो है। अब आप सोच रहे होंगे सर कैसे, कि ओल्ड रेशो कैसे होता है। मान लो ए भी साझेदार है, उसका पहले 2:1 है, ये ओल्ड होगा बच्चों। ओल्ड का मतलब 2:1, देखो इसका 1:3, यानी कि 2 अगला रेशो जो अनुपात को तो आगे हो जाता है ये। और यदि आप नए की बात करते हैं, अगर सपोज करो उनका नया 4:1 हो जाता है, 4:1 अगर हम बात करते हैं इसको दोबारा इसका नया रेशो की, यानी कि जो ए बी का नया रेशो है यदि वो 4:1 हो जाता है, तो उसको न्यू रेशो 4:5 रेशो 1:5, तो ये ओल्ड रेशो अपना, ये न्यू रेशो है। यदि हम जो अपने दो साझेदार पूछो, यदि आप ए का सैक्रिफाइस निकालेंगे, यदि हम ए का त्याग निकालेंगे कि भाई ए ने कितना त्याग किया है, तो बच्चों ओल्ड रेशो से न्यू रेशो घटा देंगे। तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, ओल्ड रेशो कैसे पता लगेगा। ये तो मैंने बताया आपको, पहले इनका 2:1 था और जो नया 4:1 है, 2:3 रेशो 1:3, ये न्यू रेशो आया आपका बच्चों 4:5 4:5। आप देखो कैलकुलेटर का कैलकुलेशन बताता हूँ आप कैसे करोगे। आप जैसे इसका 2:3 था ओल्ड, इसका नया कितना है ए का, ए देखो ए का एलसीएम 15:10 ये बच्चों माइनस में चला गया, तो इसको हम गेन भी कहेंगे। अगर माइनस में आ जाता है और
ये जरूरी नहीं है बच्चों कि ओल्ड रेशो में से यदि न्यू रेशो निकाल दिया जाए, यदि वो प्लस में आता है तो सैक्रिफाई होता है, यदि वो माइनस में चला जाता है, माइनस में चला जाता है तो वो गेन भी माना जाता है। गेन गेन का मतलब लाभ प्राप्ति अनुपात, यानी कि वो समझदार ज़्यादा गेन कर गया उसको ज़्यादा, यानी कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुआ उसको उससे ज़्यादा फायदा हो गया। तो बच्चों जाहिर सी बात है, अगर यदि हम बी का निकालेंगे, बी का देखो, अब यदि हम बी का निकालते हैं, बी का पहले कितना था, 4/5, बी का पहले था अपना 1/3 ओल्ड, और बी का पहले कितना है ये देखो तो बोर्ड पे 1/3 15, ये देखो बच्चो इसका प्लस में है 3/15, इसको बच्चों हम सैक्रिफाई कहेंगे, ये त्याग कर गया। तो अगर बच्चों दोनों प्लस के आ जाते हैं भाई दावे, भाई दावे ये भी प्लस के आता, देखो इसमें 10-12 है, अगर ये प्लस में होता मान लो 12 होता और 10 होता तो ये 2/15 होता, तो ये भी सैक्रिफाई होता, यानी कि त्याग अनुपात, त्याग अनुपात से हमारा भी प्राय ऐसे अनुपात से हैं कि जो पुराने साझेदार हैं वो नए साझेदार के पक्ष में अपने हिस्से का कुछ भाग त्याग करते हैं, जिसका सैक्रिफाई रेशियो कहते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने दोबारा से बोर्ड पे किया दोबारा आपको फार्मूला के जरिए। और ये बच्चों सैक्रिफाई रेशियो कैसा है, सैक्रिफाई रेशियो आपके 4th चैप्टर में भी काम आएगा, 4th चैप्टर और 5th चैप्टर में भी काम आएगा कि सैक्रिफाई कैसे निकाला जाता है। सैक्रिफाई रेशियो सबको आना चाहिए, और सैक्रिफाई रेशियो त्याग अनुपात, त्याग अनुपात किसके बराबर होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो को हिंदी में क्या कहते हैं, पुराना अनुपात, यानी कि ओल्ड रेशियो पहले साझेदार किस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में थे और उसका जो न्यू रेशियो आया अपना नया अनुपात। नया अनुपात ये मैंने बोर्ड में कैलकुलेट किया, भी कैलकुलेट करने के बाद देखा कि माइनस में निकल गया, ये गेन में गया और ये सैक्रिफाई भी गया। तो ये बच्चों आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं, 3 क्वेश्चन के आपने चैप्टर नंबर 3 है, इसमें से आपने इसके सारे डिटेल जो मैंने एक्सप्लेनेशन की है वो सारे पढ़ोगे। सभी बच्चों को मेरा नमस्कार।